जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने, दो क्लिक और सॉन्ग रेडी। दोस्तों जो मेथड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक मेथड आपके कई जगह पर काम आ सकता है। जैसे कि आपने कोई मिक्सिंग किया और किसी कारण से आपके विंडो में कोई प्रॉब्लम आ गया, विंडो आपने रीइंस्टॉल किया, रीइंस्टॉल करने के बाद जब आप मिक्सिंग दोबारा से उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जिसकी आप मिक्सिंग कर रहे थे, तो वो हमारा ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक होने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं और सॉन्ग को हम दो क्लिक में कैसे तैयार करते हैं, चलिए बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, मैं बलवंत सिंह खाती स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल खाती जी मिक्सिंग वाले। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक से होंगे और आपके आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों जब हम कोई मिक्सिंग करते हैं उसमें हम जो भी हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है, जैसे कि हल्दी से मेहंदी तक एक पार्ट, बारात चढ़त से लेकर विदाई तक दो पार्ट, और विदाई से लेके फिर आप महिला संगीत और रिसेप्शन दो तीन पार्ट, जहां भी हम करते हैं वहां पर हम सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक अंतरा ख़त्म हुआ तो हम एक पोर्ट्रेट सॉन्ग लगाते हैं। जो हम वो पोर्ट्रेट सॉन्ग बनाते हैं वो पोर्ट्रेट सॉन्ग बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है कभी किसी की वजह से, तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल दो क्लिक में आप पूरा पोर्ट्रेट सॉन्ग तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जिसके लिए मैंने 7 ब्राइड के, 7 ग्रूम के और 7 कपल मैंने पोर्ट्रेट काटे हैं। आप अगर 7-7 काटेंगे ज़्यादा अच्छा होगा और फुटेज और जो हमारा वीडियो सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे ज़्यादा पोर्ट्रेट इस्तेमाल होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं अपना आइडियोज़ को पहले से ही ओपन करके रखता हूँ और आज जो मैंने सॉन्ग क्रिएट किया है आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ, और ये सॉन्ग हमारा जो है काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक प्रोजेक्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और उसी के साथ आपको ये जानकारी भी दे दी जाए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं अपना आइडियोज़ को पहले से ही ओपन कर लेता हूँ, आइडियोज़ ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये है मेरा आज का सॉन्ग प्रोजेक्ट, ये सॉन्ग प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी खूबसूरत बनाया है। ऑडियो को ऑफ कर लेते हैं, और दोस्तों जो ये मैंने सॉन्ग क्रिएट किया है ये हालांकि है बहुत छोटा, ये 3 मिनट के समथिंग का सॉन्ग है, 2.5 मिनट का ये सॉन्ग है, लेकिन बनाया काफ़ी खूबसूरती से है, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये दो स्थितियाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ही हम कोई सॉन्ग का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है। और दोस्तों कभी हम मिक्सिंग करते हैं, सपोज हमने 1-2 घंटे की मिक्सिंग कर ली, मिक्सिंग करने के बाद कभी हमारी विंडो में कोई दिक्कत आ जाती है, हम विंडो को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं जो हम मिक्सिंग कर रहे थे वो भी कुछ इसी तरीके की हो जाती है ब्लैंक, तो हम उसको भी कैसे रिफिल करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो ये एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये इन दोनों में काम करेगा, सॉन्ग में चाहे आप किसी का भी सॉन्ग लें, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करें, चाहे आप किसी भी डाउनलोड करें, तो उस स्थिति में क्या है दोस्तों, आप जैसे ही प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, तो आप ध्यान से देखें कि आपके राइट साइड में नीचे आप देख रहे हैं क्रैक का एक निशान आया है। ये क्रैक का निशान जो है ये बता रहा है कि हमारी यहाँ से फुटेज हमारी मिस है। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, डबल क्लिक करने के बाद जितनी फुटेज हमने इस सॉन्ग में इस्तेमाल की है वो सभी फुटेज आपको यहां पर शो करेगा, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, तो इस तरीके से हमें शो करेगा। किसी एक पर हमने क्लिक कर देना, चाहे आप ऊपर कर लें, चाहे नीचे कर लें, चाहे बीच में कहीं भी आप कर लें, इतने में सिंगल क्लिक करें, केवल एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए कर लें, कंट्रोल ए करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, उसके बाद आपके राइट साइड में एक एरो दिखाई देगा, ये जो एरो है इसको क्लिक कर लें। इसको क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इन 3 ऑप्शन में आपने सेकंड नंबर को सेलेक्ट करना है, रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर, इसको क्लिक कर लें। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों जहां भी आपका रॉ फुटेज रखा है, जहां भी आपका पोर्ट्रेट रखा है, सॉरी रॉ फुटेज नहीं कहूंगा दोस्तों, मेरी एक आदत है जहां पर मैं अपने ओरिजिनल वीडियो रखता हूं मिक्सिंग के लिए, उसी के अंदर मैं क्लोजअप नाम से एक फोल्डर बना लेता हूं, और जब मिक्सिंग हो जाती है तो उसी के अंदर मैं अपना मिक्सिंग वाला डाटा भी रखता हूं। उसका कारण यह है दोस्तों, कभी किसी वजह से आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा, शायद कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा कि हमारे जो ब्राइड ग्रूम के फुटेज हैं या पोर्ट्रेट हैं अमूमन अक्सर वो चेंज हो जाते हैं, ओनली पोर्ट्रेट ही चेंज होते हैं। उसका कारण यह है दोस्तों कि हम रॉ डेटा कहीं और रख लेते हैं मिक्सिंग वाला, उसके हम
क्लोजअप का फोल्डर कहीं और बना लेते हैं जो हम पोर्ट्रेट का होता है, और मिक्सिंग हम कहीं और रख लेते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सीधा करता हूँ जहाँ मेरा रॉ फुटेज रखा होगा, ओरिजिनल वीडियो मेरा जहाँ रखा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने इस एरो को क्लिक किया, दोबारा से बताता हूँ, जैसे इसको हमने एरो को क्लिक किया, सेकंड नंबर पर रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर आ गया है। उसके बाद मैंने अपना जहाँ पोर्ट्रेट वाला फोल्डर बनाया है क्लोजअप नाम से, दोस्तों ई में मेरा रखा है आपका ओरिजिनल वीडियो जो मैं मिक्सिंग करता हूँ, उस फोल्डर के अंदर ही मैं क्लोजअप नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। डबल क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक क्लोजअप वाला फोल्डर है दोस्तों, उसके नीचे मिक्सिंग वाला फोल्डर है। अब क्लोजअप वाला जो फोल्डर दोस्तों, इस पर आपको केवल सिंगल क्लिक करना है। ये सिंगल क्लिक आपने कर लिया, उसके बाद आप सेलेक्ट फोल्डर कर लें दोस्तों। सेलेक्ट फोल्डर किया, ये आपका इंटरफेस जो पहले आया था ये आपका ब्लू हो जाएगा बिल्कुल, और ये हम इसको कर देते हैं ओके। जैसे ही हमने ओके किया, हमारा सॉन्ग दोस्तों बिल्कुल रेडी हो चुका है। केवल दो क्लिक दोस्तों, क्योंकि मुझे ये मेथड समझाने में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन से केवल दो क्लिक आप सॉन्ग आपका रेडी। और यही मेथड आपका दोस्तों तब काम करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने कोई वीडियो मिक्सिंग किया, आपने एक दो घंटे का वीडियो मिक्सिंग कर लिया बट फाइनल नहीं हो पाया, या फाइनल कर लिया आपने रेंडिंग नहीं की है, उस स्थिति में आपकी विंडो में कोई दिक्कत आ जाती है, आपको विंडो रिप्लेस करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, या दोबारा से इंस्टॉल करना होता है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे जो आप मिक्सिंग कर रहे थे वो मिक्सिंग आपकी एकदम ब्लैंक हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ये सॉन्ग दिखाया था। इसी तरह से आपका वो मिक्सिंग किया हुआ पार्ट भी आपको ब्लैंक नजर आएगा। उस स्थिति में भी आप क्या करें, यहां पर आपको जो ये क्रैक का निशान दिखाई दे रहा है, क्रैक का निशान जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहां पर अभी आपको 21 दिखाई दे रहा है, हो सकता है वहां पर आपकी फुटेज ज्यादा लगी हो, तो 1500-2000 आपको दिखाएगा, और उस स्थिति में आपका ये रीलिंक होने में टाइम भी लेगा दोस्तों। तो आप उस स्थिति में क्या करें, यहाँ पर आपके 2000-5000 जितनी फाइलें दिखाएगा, आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद किसी एक फुटेज को क्लिक कर लें, जितनी फुटेज आपकी यहाँ लगी होंगी वही नाम आपको यहाँ दिखाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पोर्ट्रेट लगे हैं तो B1 B6 दिखा रहा है, तब आपको कैमरा जो नेम से उस फाइल को बनाता है वो दिखाई देगा। वो दिखाई देने के बाद कहीं एक पर आप क्लिक कर लें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए कर लें दोस्तों। कंट्रोल ए करने के बाद जो राइट साइड में आपको एरो दिखाई देगा, इस एरो को आप क्लिक कर लें, रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर, ये आपको सेकंड नंबर पे दिखाई देगा, इसे क्लिक कर लें। इसे क्लिक करने के बाद आपने जहां पर भी अपनी मैरिज का रॉ डेटा रखा है, मिक्सिंग करने के लिए जो रॉ डेटा आपने वीडियो रखा होता है, उस फोल्डर को केवल सिंगल क्लिक करें, केवल सिंगल क्लिक। अभी मैंने डबल क्लिक इसलिए किया था दोस्तों कि मुझे जो है वहां से पोर्ट्रेट उठाने थे, ठीक है। तो आपने अपनी पूरी वीडियो रिप्लेस करनी है, रीलिंक करवानी है, तो आप उस स्थिति में क्या करें, उस वीडियो को, उस फोल्डर को, उस जहां पर आपने रॉ मटेरियल रखा है, जहां पर वीडियो रखी थी आपने, उस फोल्डर को क्लिक कर लें और सेलेक्ट फोल्डर क्लिक कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपकी जितनी की हुई मिक्सिंग है वो सारी एज इट इज आपके सामने होगी। तो दोस्तों जानकारी बहुत छोटी थी लेकिन शायद बहुत काम की थी। कई भाई लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, जिन लोगों को ये आता था उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने उनका इतना समय बर्बाद कर दिया है। दोस्तों कई भाई लोग नया शुरू करते हैं, मैं जानता हूँ दोस्तों कई भाई लोग नया शुरू करते हैं या कई पुराने हैं जिनको ये छोटी सी जानकारी नहीं होती है। हम क्या है दोस्तों, हमें मिक्सिंग करनी होती है, फटाफट से हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही नज़रअंदाज करने में आपको कई दफ़ा अपनी मिक्सिंग शायद दोबारा करनी पड़ी हो। तो इस स्थिति में दोस्तों ये फॉर्मेट आप अपनाएं, सबसे इजी है, और जहां तक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मात्र दो क्लिक में आपका सॉन्ग रेडी। और आशा करता हूं आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करके यूज करेंगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत प्यारा गाना है दो तारा, दो तारा एक सॉन्ग है, तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और आप प्लीज इसको यूज करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो और प्रोजेक्ट कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए, प्रोजेक्ट पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।